नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को जो अपडेट किया गया है तो उस अपडेट में नया नया फीचर किया आया है, सारा चीज़ बताएंगे क्या क्या फंक्शन में चेंजिंग हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे क्योंकि उसका अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन अपडेट है, इसलिए हम सिंपल यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपडेट में आप देख सकते हैं नेक्स्ट शॉपी एंड मर्चेंट विल बी अंडर मेंटेनेंस, यानी कि मर्चेंट और शॉपिंग अभी मेंटेनेंस में है, बाकी सब स्टार्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका व्हाट्सएप का लोगो रहता था इसको हटा करके यहाँ पे कंप्लेन ऐड करने का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पे अगर आप थ्री डॉट पे क्लिक करके चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर केयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू एंड कंप्लेन स्टेटस, यहाँ से आप अपना कंप्लेन डाल सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम होने से। और यहाँ पे आपको स्टेटस पे दिखाएगा कि आपका सॉल्व हुआ या नहीं। और व्हाट्सएप सपोर्ट जो था वो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट वाले पे। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा इस तरह यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप अपना कंप्लेन ऐड कर सकते हैं, जो भी यहाँ से आपको प्रॉब्लम होता है, कोई भी इशू होती है तो यहाँ से आप कंप्लेन ऐड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ ऐड वाले पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से यहाँ पर आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका यूजर आईडी दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट टाइप में आपको जिससे प्रॉब्लम हुआ हो, नेक्स्ट मनी हो, नेक्स्ट शॉपिंग हो, नेक्स्ट मनी मर्चेंट, नेक्स्ट शॉपिंग, नेक्स्ट सपोर्ट, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान के चलिए एग्जांपल के लिए नेक्स्ट मनी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कंप्लेंट कैटेगरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम किस चीज़ से हुआ है, रिचार्ज में, बिल में, गिफ्ट वाउचर में, बस में, फ्लाइट में, होटल में, IMPS में, रिडीम में, एफिलिएट कैशबैक में, रेफरल कमीशन में, लॉगिन, रजिस्टर, अपग्रेड, KYC, फॉरगेट पासवर्ड, उसके बाद रिवार्ड पॉइंट, डिस्काउंट पॉइंट, थीम पार्क, उसके बाद ये सब से भी अलग हट के हुआ है तो यहाँ पे आप अदर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे थोड़ा सा याद होने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम हुआ क्या, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ, बैलेंस कट गया, कैशबैक नहीं आया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह की कैशबैक नहीं आया है। उसके बाद यहाँ अगर आपका पेंडिंग कोई चीज़ है या फेल्ड हुआ चीज़ है तो यहाँ पे आप इसका इमेज भी लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट डाल के यहाँ से आप फ़ोटो भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ऐड कंप्लेन पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद आपका कंप्लेन जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 24 से 72 घंटे में आपका कंप्लेन का सॉल्व हो जाएगा। जब ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पे सारा चीज़ रिसीविंग हो जाएगा, लेकिन स्टेटस यहाँ पे ओपन दिखाएगा, सॉल्व नहीं दिखाएगा क्योंकि आपका सॉल्व नहीं हुआ रहेगा। जब सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ से सॉल्व दिखाने लगेगा। यानी कि बात किया जाए नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन का तो इसमें दिन पर दिन अपडेट किया जा रहा है, यानी कि बेहतर से और भी बेहतर बनाया जा रहा है ताकि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और प्रॉब्लम आए तो उसका जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। दूसरी चीज़, अगर आपका एफिलिएटेड कैशबैक है यानी कि ऑफर एंड टाइप से आपको कैशबैक लेना है तो इसके लिए यहाँ से आपको जो है बिल अपलोड करना पड़ता है। और कौन सा बिल, जब प्रोडक्ट आपका डिलीवर्ड हो जाएगा स्टेटस बिल आता है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, उस बिल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड तब करना है जब आपका रिफंड पॉलिसी का जो टाइम होता है वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। उसके बाद यहां से आपको कैशबैक आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, आपका बिल स्टेटस अनपेड दिखा रहा है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेके यहां से कंप्लेन ऐड वाले पे क्लिक करके यहां पे ऐड कर सकते हैं। यहां से आप नेक्स्ट मनी सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहां पे कैटेगरी डाल दीजिएगा, एफिलिएट कैशबैक सेलेक्ट कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, उसके बाद अनपेड हुआ बिल को यहाँ पर डाल के ऐड कंप्लेन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। हर एक सेक्शन, हर एक विभाग में अलग अलग कस्टमर केयर डाल दिया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं कस्टमर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आएगा। तो उसके लिए हर एक विभाग के लिए अलग अलग कस्टमर है, तो आप कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पर ऐड कंप्लेंट पर कर सकते हैं। और एक चीज़ आप याद रखेंगे, जिस ID में प्रॉब्लम हुआ हो उसी ID से कंप्लेन ऐड करना है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। अगर आपका ID में प्रॉब्लम हुआ है तो आप अपना खुद के ID से ही कंप्लेन लगाएं,
यहाँ से जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब उसके बाद आप कस्टमर केयर पे कॉल करें, ऐसे यहाँ से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है मेरा। आप देख सकते हैं सारा प्रॉब्लम यहाँ से मेरा नेक्स्ट शॉपिंग जो है ओपन नहीं हो रहा था। मैंने इसका जो है एड कंप्लेंट किया नेक्स्ट शॉपिंग अदर में, नेक्स्ट शॉपिंग ओपन नहीं हो रहा और नेक्स्ट शॉपिंग को जो है प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, प्ले स्टोर में नेक्स्ट शॉपिंग नहीं मिलेगा। उसके लिए अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नेक्स्ट शॉपिंग का एप्लीकेशन है तो आप उसे डिलीट कर दें, अब प्ले स्टोर में भी वो नहीं मिलता है। अब डायरेक्ट नेक्स्ट मनी का मेन एप्लीकेशन से ही शॉपिंग ओपन होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे शॉपिंग वाले पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ये आपका नेक्स्ट शॉपिंग ओपन हो जाएगा। अगर ये आपका ओपन नहीं हो रहा है तो वहाँ से आप कंप्लेन लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट शॉपिंग ओपन नहीं हो रहा है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही दो चार कुछ न्यू अपडेट आए थे नेक्स्ट मनी के ऊपर जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स पर ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकें। और दोस्तों कोई भी नए लोग अगर नेक्स्ट मनी से जुड़ना चाहते हैं या फिर उसमें काम करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का इसका डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फाइनली बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।